नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज हम एक बहुत ही खास शख्सियत के साथ आप सभी को मिलवाने जा रहे हैं। दोस्तों, उस शख्सियत को मिलवाना तो एक मेरा अहोभाग्य है ही। आपको भी ऐसा महसूस होगा कि ये वीडियो जैसे भी, चाहे यूट्यूब के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए या किसी अन्य सोशल मीडिया के जरिए आप तक पहुंचे, तो आपको ये आग लगा देने वाला एक ऐसा शानदार जुनूनी वीडियो है कि आप अपने मोबाइल में जितने नंबर हैं उनको फॉरवर्ड जरूर करेंगे। इसी बात से मैं उस पर्सनैलिटी का एक छोटा सा इंट्रो देना पसंद करूंगा। सबसे पहले तो इंडियन आर्मी में, जिसकी कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आन बान और शान है, उस इंडियन आर्मी में 20 वर्षों तक एक शानदार ऑफिसर के रूप में, ट्रेनर के रूप में, कोच के रूप में, एईसी में इन्होंने अपनी सेवा निभाई। इस दौरान बहुत सारे मेडल्स, बहुत सारी तरक्की और अप्रिशिएशंस बटोरे। अपने स्टूडेंट्स के रूप में इन्होंने ऑफिसर्स को ट्रेन किया। इस दौरान जब इनका बच्चे बड़े हो रहे थे, उन्होंने भी अपने शानदार करियर अपनाए। उसके बाद 20 साल के बाद इन्होंने सोचा अब सामाजिक जीवन में आया जाए और इंडियन आर्मी से इजाजत लेके ये सिविल में आए। बहुत सारी किताबें लिखी, अपना शानदार पैशन दिखाते हुए लाइफ कोचिंग जारी रखी। लाइफ कोचिंग के दौरान टेडएक्स, जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, वहां से इन्होंने लोगों को मोटिवेट किया। टोस्ट मास्टर में ये रेगुलर इंटरनेशनल फेम के शानदार स्पीकर हैं। के अलावा इनके स्टूडेंट्स थ्रू आउट टॉपर्स रहे, जैसा कि ये अपनी पढ़ाई के दिनों में और बाद के दिनों में हमेशा टॉपर्स रहे और दुनिया को टॉप में रहने का एक शानदार संदेश देते हैं। मेरी मुराद है कि मैं आप सबको ऐसी चमकदार पर्सनालिटी के साथ मिलवाऊं। उनका नाम है मेजर प्रदीप खरे। मेजर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतने सारे शब्दों में इतनी तारीफ की आपने, आप जैसी शख्सियत से ये सब सुन करके मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। थैंक यू सर, सेम हियर। सर, चूंकि लोगों के पास समय कम होता है और प्रश्न बहुत होते हैं, हाँ, मेरा एक सीधा सीधा प्रश्न पे आने का मैं आपसे इजाजत चाहूंगा और पहला प्रश्न लेते हैं। सर, हाउ टू रिमेन स्टेबल इन एडवर्स सिचुएशन, विपरीत स्थिति में हम अपने आप को कैसे काबू में रखें, कैसे संतुलित बैलेंस्ड रखें? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। आमतौर पे हम सबके जीवन में कभी ना कभी ऐसी परिस्थिति आती है जो हमें लगता है कि हमारे प्रतिकूल है, ऑपोजिट है, और इसमें हमें अगर बैलेंस रखते हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम डिस्टर्ब हो जाएंगे तो हम आगे बढ़ने के बदले वहीं रुक जाएंगे, वो शायद पीछे चले जाएंगे। इसका एक छोटा सा उदाहरण देकर के मैं समझाता हूँ। एक व्यक्ति है अनिल, वो सुबह अपने ब्रेकफास्ट टेबल पे इंतजार कर रहा है, न्यूज़पेपर देख रहा है। उसकी पत्नी जो है किचन में ब्रेकफास्ट तैयार कर रही है और उसकी बेटी जो क्लास 5 में पढ़ती है वो स्कूल के लिए तैयार है, रेडी है स्कूल ड्रेस पहने हुए। और वो उसकी बेटी एक ट्रे में चाय लेकर के उसके पास डाइनिंग टेबल पे उसको देने के लिए आ रही है। इसी बीच में कुछ ऐसा होता है कि उसका हाथ हिल गया और वो चाय का कप ट्रे में से निकल के गिरा और चाय जो है अनिल की शर्ट पर गिर गई। इसके बाद देखिए, अनिल एकदम आग बबूला हो गया। क्या करती हो तुम्हें, चाय देना नहीं आता है, कितनी सी बात नहीं आई तुम्हें, वाइफ को डांट दिया, तुम क्यों चाय उसके हाथ भेजती हो, खुद क्यों चाय लेकर नहीं आती हो। और इतना कहते हुए बड़े गुस्से में अनिल जो है अपने कमरे में शर्ट चेंज करने चले। नतीजा क्या होता है, बेटी एकदम से पका गई, उसका मूड ऑफ हो गया, दुखी हो गई, ऑलमोस्ट रोने लगी। और उसकी पत्नी जो थी वो भी निराश हो गई, देखो बिना मतलब की इतनी जोर से गुस्सा कर दिया। इस बीच में बेटी की स्कूल बस जो सामने उसी टाइम निकलती थी
हॉर्न दिया, आगे बढ़ी, क्योंकि बेटी तो बाहर गई नहीं। अनिल जैसी शर्ट चेंज करके आया तो उसकी पत्नी ने कहा बेटी का एग्जाम है, आज इसको स्कूल जाना जरूरी है, बस निकल गई है तो आप जाके छोड़कर आइए इसको। अनिल ने तुरंत कार की चाबी ली और कार स्टार्ट कर दी। बेटी वहां बैठी और पूरी स्पीड से अनिल ने कार चलाना शुरू कर दी, क्योंकि उसका ऑफिस एक डायरेक्शन में, बेटी का स्कूल दूसरे डायरेक्शन। जैसे तैसे करके स्कूल के गेट तक पहुंचे, रास्ते में कोई बातचीत नहीं बेटी से। जैसे ही स्कूल का गेट आया, दरवाजा खोल के बेटी तुरंत बाहर निकल और दरवाजा पीछे से बंद कर, कोई बाय बाय नहीं, कोई बेस्ट ऑफ लक। अनिल ने तुरंत गाड़ी मोड़ी और ऑफिस की ओर पूरी तेजी से वो चल दी गाड़ी। जैसे तैसे पूरा ट्रैफिक पार करते हुए ऑफिस पहुंचा अनिल 20 मिनट लेट। जैसे वो ऑफिस में अपने कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचा, वहां सब लोग उसका इंतजार कर रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। और लेकिन अनिल के तो होश उड़ गए, वो अपना ब्रीफकेस भूल आया था घर में। उसी ब्रीफकेस में उसकी पेन ड्राइव थी जिसमें सारा प्रेजेंटेशन देना था उसे। इसके बाद आप अंदाज लगा सकते हैं कि उसके बॉस ने कितनी बुरी तरह उसको डांटा होगा। लेकिन ये सारी चीजें इसलिए हो गई क्योंकि विपरीत परिस्थिति को अनिल ने ठीक से हैंडल नहीं किया। चाय गिर गई थी, कोई बड़ी बात, वो बोलते चलो बेटा कोई बात ठीक है, ध्यान रखना आगे से, और जाके अपनी शर्ट चेंज कर। बेटी का मूड खराब नहीं होता, उसकी स्कूल बस मिस नहीं होती, अनिल अपने ऑफिस की लेट नहीं होता, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देता और उसको बहुत शाबाशी मिलती। तो हमें अपनी विपरीत परिस्थिति में अपने आप को डिस्टर्ब नहीं होना। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। सर ये ठीक उसी तरह से है जैसे आप ये कहें कि आप अपना घोड़े के दोनों तरफ जिनसे लगे होते हैं क्या कहते हैं उसे, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, कैप्स लगे होते हैं, तो वो कैप्स इस बात को दिखाते हैं कि फोकस को कितना शांत रह करके अचीव करना है जी। और यही आप आर्मी वाले करते हैं। और आज के जो इस इंटरव्यू की, मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, हमारी पर्पस भी यही है कि बहुत सारे लोग मेजर साहब के इन अच्छे विचारों से महरूम रह जाएंगे अगर आपके स्कूल, कॉलेज, ऑर्गेनाइजेशन, MNCs या जहां जहां ये वीडियो पहुंचे वहां पर साहब के सेशंस ना हो, तो इनकी जो एक कमाल की शख्सियत है वो वहां तक नहीं पहुंच पाए। तो ये ऐसा, मैं चाहूंगा कि ऐसा ना हो, इसलिए ये वीडियो हमने शूट किया। बेसिकली अब जो मेरा सेकंड प्रश्न आ रहा है वो यूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से है। साहब आप अपने सेशंस में इतनी फिटनेस की बातें करते हैं, क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, पीने के बारे में, पानी की भी एक बहुत शानदार वाटर थेरेपी है, तो आप इस विषय में ना केवल यूथ को, उनके पेरेंट्स को, टीचर्स को, सभी को एक गाइड करिए कि कैसे हम अपने जीवन को, क्या खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं, क्या पिए, तो वो सब चीजें थोड़ा सा आप एक झलक दीजिए। जी बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए हर उम्र में हमें अपने खान पान पर बहुत ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले शुरू करता हूं मैं, जब हम सुबह उठते हैं, सुबह बहुत लोगों की आदत होती है उठते बैड टी लेना। बैड टी जो है वो सबसे ज्यादा नुकसान करती है। सबसे पहले उठ करके हमें पानी पीना चाहिए, और जो रात भर हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है, थूक होता है जो सोते टाइम हमारे मुंह में, वो बहुत ही हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो जब हम सुबह उठ के कुल्ला ना करें, सीधा वो पानी पी लें, 2 ग्लास या हो सके तो 4 ग्लास पानी पी, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। इसके बाद आप ले सकते हैं चाय, जो भी लेना है वो ले सकते हैं। दूसरा ब्रेकफास्ट जो है, ब्रेकफास्ट कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मील है डे का, जैसे यू शुड ईट ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग। अच्छा वेल न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट हो, फुल ऑफ प्रोटीन्स, उसमें कोई कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको दिन में काम करना है, या तो ऑफिस जाएंगे या स्कूल जाएंगे, जो भी काम करेंगे, बिजनेस में जाएंगे। लंच, लंच जो टाइम है
उसमें टाइम लंच मीडियम होना चाहिए, बहुत हैवी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद कुछ ना कुछ आपको काम करना है, एक्टिविटी करना है। इसलिए ज्यादा हैवी लंच अगर आप खा लेंगे तो आपको नींद आने के चांसेस। अभी जो पानी की बात मैं कर रहा था, पानी ऐसा है, खाना जब हम खाते हैं तो हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, और बीच में खाने के कभी पानी नहीं पीना चाहिए। कई लोग कहे बीच में थोड़ा सा खाना खाए फिर पानी पी लिया, फिर दो घूंट पानी पी लिया, ये आदत स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि इससे क्या है जो डाइजेशन प्रोसेस है वो बीच में ब्रेक हो जाता है, और डाइजेशन प्रोसेस ब्रेक होने से क्या होगा, या तो खाना डाइजेस्ट ठीक से नहीं होगा, या तो हो जाएगा इनडाइजेशन, या तो हो जाएगा कॉन्स्टिपेशन, एनी ऑफ दीज। तो पानी कब पीना है, खाने के बीच में नहीं पीना है, लेकिन खाने के पहले 45 मिनट्स टू 1 आवर उसके पहले आप आराम से पानी पी सकते हैं, और खाना खाने के तुरंत बाद भी हमें पानी नहीं पीना। कब पीना है, 45 मिनट्स टू 1 आवर उसके बाद गैप कर दीजिए। हाँ, खाने के बाद आपको लगता है कि मुंह साफ करना है, थोड़ा कुल्ला कर सकते हैं, एक गागल टाइप कर सकते हैं, उसमें आप दांत मुंह साफ हो जाए। अब आता है डिनर। डिनर जो है, डिनर शुड बी द लाइटेस्ट मील, बिल्कुल कहते हैं यू शुड ईट ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग, ईट लंच लाइक ए कॉमनर, एंड डिनर लाइक ए पॉपर। बहुत सिंपल हल्का खाना होना चाहिए। डिनर के बाद जनरली हमारी कोई एक्टिविटी नहीं होती, उसके बाद हम सो जाते हैं। और दूसरी बात ध्यान रखने की, डिनर खाने में और सोने में कम से कम 1.5 से 2 घंटे का गैप होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि डिनर आपने खाया उसके बाद 10 मिनट बाद सो गए। ये ध्यान रखेंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वो कहते हैं सबसे इम्पोर्टेंट है पेट की फंक्शनिंग, अगर सही तरीके से जो हम खा रहे हैं डाइजेस्ट हो रहा है तो हमारी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। सर आज की डेट में जब हमारा जमाना था, आपका जमाना था, तो सोशल मीडिया इतना नहीं होता था, सोशल मीडिया होता ही नहीं था। तो अब तो सोशल मीडिया बहुत बड़ा एक टाइम पास भी हो गया है और यूटिलिटी भी हो गई है। इसको लोग चाकू की तरह यूज करते हैं, कई अगर ये चाकू किसी डाकू के हाथ में आ गया तो हत्या करेगा, खून करेगा, और यही चाकू किसी डॉक्टर के हाथ में आ गया तो एक जान बचाएगा। तो आप सोशल मीडिया को किस तरीके से आज की जनरेशन यूज करें, इस बारे में गाइडेंस दीजिए। बहुत अच्छा पॉइंट है कि आजकल सोशल मीडिया इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया है, स्पेशली हर उम्र के लोगों में स्मार्टफोन तकरीबन हर एक के पास है। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं स्मार्टफोन, आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस में तो स्मार्टफोन से ही क्लास को अटेंड करनी पड़ती है। अब क्या है, इंटरनेट जो है सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, इंटरनेट पर बहुत सारे ज्ञान का खजाना है, लेकिन साथ साथ ही इंटरनेट में कुछ खतरनाक चीजें भी हैं जो लोगों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। और सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो इसमें फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब चीजें प्रमुख तौर पर हैं। इनमें अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे पोस्ट रिपीटेड होते हैं, बहुत सारे पोस्ट ऐसे होते हैं जो फ्रिवलेस हैं, कोई मीनिंग नहीं उनका, या तो फूहड़पन की हंसी मजाक है उनके अंदर, या किसी की क्रिटिसाइज कर रहे हैं, किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसी चीजें, या लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, डर फैला रहे हैं, कई बार लोगों को डरा देते हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये देखो उसका ऐसा हो गया, बहुत दर्दनाक सीन्स दिखाते हैं, किसी को जानवर ने किसी को काट लिया, या किसी को कुछ और पीड़ा हो रही है। तो बहुत इस तरह की चीजें देखने से क्या होता है, अगर हम ऐसा वीडियो कोई भी व्यक्ति देखता है या कोई पोस्ट ऐसी पढ़ता है तो ये चीज भले उसको लगा रही है बिल्कुल बेकार पोस्ट है, डिलीट कर दो, लेकिन आपने डिलीट कहाँ से किया है, उसको फोन से डिलीट किया है, किसी ने किसी दिमाग के कोने में वो जाकर के चिपक जाता है वहां पर, और वो चीज जो अनवांटेड चीज है वो दिमाग में चिपक गई तो कहीं ना कहीं आपके सपने में आ सकती है, आपके थॉट प्रोसेस को डिस्टर्ब कर सकती है। तो सोच ये बात है कि अगर आपको लगता है कोई भी ग्रुप ऐसा है, कोई व्यक्ति ऐसा है जो इस टाइप के पोस्ट फॉरवर्ड करता है, तो आप उसको बिना देखे बिना पढ़े डिलीट कर दीजिए, ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पढ़ने के बाद डिलीट करने से कोई फायदा नहीं। दूसरा, जो भी आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं कुछ ओरिजिनल पोस्ट कीजिए, कुछ लिखिए, कुछ एक्सपीरियंस बताइए अपने, कुछ पोएम लिख सकते हैं, कुछ अपने सुझाव दे सकते हैं,
देश को सुधारने के लिए, अपने वातावरण को सुधारने के लिए, वो अच्छा होगा। केवल फॉरवर्ड करना, शेयर करना, ये कोई अच्छी पर्सनैलिटी नहीं शो करता है। तो ये बातें आप ध्यान में रखें। और दूसरा, टाइम इसमें इम्पोर्टेंट है, कितना टाइम आप डिवोट कर रहे हैं। अगर स्टूडेंट हैं या कोई प्रोफेशनल हैं तो आपका समय बहुत कीमती है। आपको अपने गोल्स अचीव करना है, इसके लिए आप दिन में निश्चित करें एक घंटा, आधा घंटा, जितना भी आपका रूटीन परमिट करता है, उससे आगे सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट ना करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। अपोलोजाइज करना जेन्युइनली, ये आज की डेट में शायद खत्म हो चुका है। देखिए, कभी ऐसा भी समय था कि जब गलती हो जाती थी तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी अपनी गलती मानने में हिचकते नहीं थे। 16 करा संपूर्ण श्री कृष्ण ने भी अपनी गलती को बहुत जेन्युइन तरीके से मान लिया, अगर गलती की तो। लेकिन आज का इंसान नहीं मानता। आज की जनरेशन में, चाहे वो यूथ है, चाहे वो पेरेंट्स है, चाहे वो हमारे समाज के निर्माता टीचर्स लोग हैं, कैसे उन्हें आप गाइड करेंगे? बिल्कुल सही बोला आपने, आज के लोगों को अपोलोजाइज करना, माफी मांगना, वो अपने इसको बिलीव नहीं करते हैं। वो सोचते हमारी इंसल्ट हो जाएगी, मैं छोटा हो जाऊंगा अगर किसी को सॉरी बोल दें। तो ये फीलिंग जब उनके मन में आती है, तो पहली बात तो 90% केसेस में लोग सॉरी बोलते ही नहीं, और जो थोड़े से लोग बोलते भी हैं तो उसको दिल से नहीं कहते, बस सॉरी सॉरी बोल दें। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है अपोलोजाइज करने का। पहली बात, अगर हमने कोई गलती की है, किसी को हर्ट कर दिया है हमारी बातों से, हमारे एक्शन से, तो उसके बाद हो सकता है अनजाने में भी ऐसा कई बार हो गया हो, लेकिन जब हमें ये लगा कि हमने किसी को हर्ट कर दिया है, कोई चीज गलत बोल दी है, तो हमें इसके लिए उससे प्रॉपरली अपोलोजाइज करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम उसको बताएं कि किस बात के लिए हम सॉरी बोल रहे हैं, किस बात के लिए हम माफी मांग रहे हैं। उस पूरी बात को क्लियरली बताएं कि मैंने ऐसा कहा था, ऐसा किया था, इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। सेकेंडली, ये उसको विश्वास दिलाना चाहिए कि आगे से ये रिपीट नहीं होगा। क्योंकि अगर आपने गलती आज की और कल फिर दोबारा वही कर दिया और फिर सॉरी बोल दिया, तो कोई मतलब नहीं उसका। तो हमें उसको विश्वास दिलाना चाहिए कि आगे से ये रिपीट नहीं होगा। और दूसरा कहते हैं, नेवर रियून ए अपोलॉजी विद ए कंडीशन, कि आई एम सॉरी इफ आई हैव हर्ट यू, मैं माफी मांगता हूँ अगर आपको बुरा लगा। अगर बुरा लगा मतलब गलती मेरी नहीं थी, बुरा आपको लगा है इसलिए सॉरी बोल रहे हैं। तो अगर कभी नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अनकंडीशनल अपोलॉजी। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सर। कुछ दिनों के लिए, कुछ पर्टिकुलर दिनों के लिए हमारी राष्ट्रभक्ति या देशभक्ति नियत हो गई है, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर या इस तरह से, तो क्या हमारी जो देश के प्रति गर्व है, तो उसके बारे में हमें कैसा महसूस करना चाहिए कि हमें अपना भारतीय होने पर गर्व महसूस हो? क्या वो रोज होना चाहिए या उसके बारे में आपके क्या विचार है? जी, बहुत अच्छी बात है। अभी हाल में ही 15 अगस्त का मनाया गया था इंडिपेंडेंस डे, और हम हर साल देखते हैं 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन बहुत नेशनल फर्वर देखने में आता है। जगह जगह नेशनल फ्लैग, झंडे जो हैं, हर चौरस्ते पे, हर बाजार में बिक्रे होते हैं, और छोटे बड़े सब लोग वो झंडा खरीदते हैं। वो सोचते हैं कि झंडा खरीद के अपने हाथ में लगा लेंगे, अपनी बाइक पे लगा लेंगे, अपनी कार में लगा लेंगे, घर में लगा लेंगे, तो इससे बहुत राष्ट्रभक्ति दिखती है। लेकिन अगले दिन आप देखिए क्या होता है, वो सारे झंडे लोग कचरे में फेंकते थे। और बहुत दुख की बात है कि वो झंडे जो इतना पवित्र झंडा है, जिसके लिए लोगों ने जान गंवाई, इतने लोगों ने बलिदान कर दिया जब देश को हमारी स्वतंत्रता मिली, और इस झंडे की बहुत ही पवित्र, इसका आदर होना चाहिए, ना कि इसको कचरे में फेंक दें और ये किसी के पैरों में पड़े। तो ध्यान रखने की बात यह है कि झंडे की इसकी सेंक्टिटी, इसकी पवित्रता को समझा जाए। दूसरा, नेशनल एंथम, जब ये राष्ट्रगान होता है, चाहे वो 15 अगस्त के दिन हो, मैं कई बार फंक्शन में जाता हूँ या अपने आसपास देखता हूँ, राष्ट्रगीत बज रहा है, लोग कोई पॉकेट में हाथ डाले हैं, कोई हाथ हिला रहा है, कोई मोबाइल यूज कर रहा है, कुछ तो भी कर रहा है,
ये भी राष्ट्रगान का इंसल्ट है। जब भी राष्ट्रगान प्ले किया जाता है तो हमें सावधान मुद्रा में खड़े होने चाहिए, बिल्कुल हाथ नहीं हिलाना है। जो स्कूलों में सिखाया जाता है लेकिन शायद लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो इसकी ओर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि राष्ट्रगान जो है, राष्ट्रगीत जब बजाया जाता है जनगणमन, उस टाइम हमें सावधान की मुद्रा में खड़े होने चाहिए। अब मुझे याद आता है कि राष्ट्र जो भावना है राष्ट्रीयता की, वो 26 जनवरी या 15 अगस्त अकेले को नहीं है, वो पूरे साल में हर दिन हमें जिस बात के लिए गर्व होना चाहिए कि मैं भारत का नागरिक हूँ। और हमें हर बात ये नहीं कहना चाहिए अरे इंडिया में ऐसे नहीं होता, यहाँ तो सब चीजें खराब हैं, यहाँ तो बहुत सारे करप्शन है, यहाँ तो कोई सुनता नहीं किसी की। देखिए, अगर हम पूरे टाइम कंडेम, कंप्लेन, क्रिटिसाइज करते रहेंगे, दूसरों की बुराई देखते रहेंगे, समाज की बुराई बताते रहेंगे, नेताओं की बुराई बताते रहेंगे, तो हम कहीं से भी आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, हम देखें कि उस बुराई अगर है तो उसको हम दूर करने के लिए क्या योगदान दे सकते, व्हाट कैन आई डू फॉर दैट। मुझे याद आ रहा है प्रेसिडेंट जॉन एफ केनेडी ने 1961 में, जब व्हेन ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, इन हिज इनॉग्रल एड्रेस ही सेड दिस फेमस वर्ड्स, आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। उस जगह हम ये सोचेंगे कि मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ, तो जरूर कुछ ना कुछ छोटा सा काम भी हम जरूर करेंगे। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा सर। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं कोई एक शानदार व्यक्तित्व से बात कर रहा हूँ, मुझे तो आपकी, मैंने पुस्तकें पढ़कर ही बहुत मैं इंस्पायर्ड रहता हूँ, मगर आज मुझे ऐसा लग रहा कि मैं किसी एक लेजेंड के साथ बैठा हूँ और बेहद शानदार मेरा वक्त पता नहीं लग रहा कि कैसे बीत रहा है और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। सर, मेरा अगला प्रश्न जो आपसे है वो ये कि भारत में कॉमन सेंस या सिविक सेंस नीड ऑफ आर है। इट इज फील्ड कि हमारे पास जो सिविक सेंस है वो एट इट्स लोएस्ट है, क्या ऐसा आपको भी लगता है? क्या इसके लिए कुछ सुधार के उपाय किए जाने चाहिए? कृपया अपने विचार बताएं। जी, बहुत सही बात है। आज के टाइम में जहां भी देखते हैं सिविक सेंस की बहुत कमी। तो बेसिकली सिविक सेंस को हम समझते हैं क्या है, जो भी हमारा एक्शन है, जो भी हमारी बातचीत है, उससे हमारे पड़ोसी को, किसी दूसरे व्यक्ति को परेशानी तो नहीं हो रही। जैसे आमतौर पर आप देखते हैं फ्लैट में लोग रहते हैं, अपने फ्लैट में बहुत लाउड म्यूजिक बजाते हैं, इसकी परवाह किए बिना कि हमारे पड़ोस में कोई बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे, हो सकता कोई बुजुर्ग व्यक्ति बीमार हो, उसको डिस्टर्ब हो सकता है। अपने घर का कचरा अपनी बालकनी से नीचे फेंक देते, कहीं भी सड़क पे देखिए आप, किसी पार्क में देखिए लोग खाली बॉटल्स, जो रैपर्स जो इसके होते हैं पोटैटो चिप्स वगैरह के, यहाँ वहां फेंक देते, ये अच्छी बात नहीं। दूसरा उदाहरण है गाड़ी पार्क करने, आप किसी भी देखिए मार्केट प्लेस में लोग अपनी कार, टू व्हीलर या फोर व्हीलर जो भी पार्क करते हैं, वो ध्यान नहीं देते कि इसके पार्क करने से दूसरे व्यक्ति को अपनी गाड़ी निकालने में दिक्कत होगी। कई बार ऐसा भी होता है किसी बिजी प्लेस में बहुत सारे लोगों ने गाड़ी आड़ी टेढ़ी खड़ी कर देते, अब जब आदमी कार खड़ी करके अंदर शॉपिंग के लिए गया और बाहर निकल के देखता है उसकी गाड़ी फंस गई है, अब वो निकालने के लिए उसको पता नहीं किसकी गाड़ी है। फिर हम देखते हैं अनाउंसमेंट करवाते हैं जगह जगह भाई कौन सी शॉप में गया आदमी, उसको ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो छोटी सी बात है, अगर हम हमेशा ध्यान रखें कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं हम हमारे काम से किसी दूसरे को तकलीफ तो नहीं होती, इतनी बात ध्यान रखेंगे तो जरूर समाज बहुत अच्छा बन सकता है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। सर, ऐसा मेरा विचार है, शायद आपका तो पक्का ही होगा, मैं आपसे इस बात पे मोहर लगवाना चाहता हूँ कि आज भारत को बहुत अच्छे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स की ज़्यादा ज़रूरत है, बल्कि रिस्पॉन्सिबल लीडर्स की। तो आपके विचार क्या कहते हैं इस बारे में? बहुत अच्छे प्रश्न है। इसमें क्या है कि देश में बहुत अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे नेता अच्छे नहीं है, अगर नेता बहुत अच्छे होते तो देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। लेकिन मेरा मानना यह है कि नेता तो जो हैं सो हैं, वो क्या है जिनको हम चुनते हैं वही तो नेता हैं, इसमें भी हमारा योगदान है, हम दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते। सिटीजन्स जो मिलकर के जिसको डेमोक्रेटिकली इलेक्ट करते हैं वही लीडर बनते हैं। लेकिन उससे महत्वपूर्ण रोल है कि सिटीजन्स का, नागरिकों का क्या रोल है, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होना। इसके लिए एक बहुत अच्छा मुझे वाक्य याद आता है, एक भारतीय जापान गया था एक बार, तो वहां पर वो ट्रेन में ट्रेवल कर रहा था इंडियन,
उसने देखा कि सामने की सीट पर एक पैसेंजर आके बैठ गया, जैपनीज था वो, और उसने देखा कि जो सीट थी ट्रेन की थोड़ा सा उसमें कटा हुआ था वो कुछ, तो उसको अपने देख करके जैपनीज ने अपने बैग में से एक सुविधा का निकाला और उसको सिलना शुरू कर दिया। और अब जो इंडियन था वो बहुत आश्चर्य से देख रहा था इसको कि ऐसा तो हमें कभी होता नहीं क्योंकि पैसेंजर ट्रेन की फटी सीट को सिलना शुरू कर दी। जब उसने सिलाई कर दी तब उस इंडियन ने पूछा जैपनीज से कि क्या आप कोई रेलवे के एम्प्लॉय हैं? उसने कहा जी नहीं। उसने क्या आप टेलर हैं? उसने कहा नहीं। तो उसने फिर आपने सीट क्यों सिल दी यहाँ की? उसने देखिए ये हमारे देश की ट्रेन है और हमारे देश पर हमें गर्व है इस ट्रेन का कि छोटा सीट फटी हुई है, अगर मैं इसको सिलूंगा नहीं तो धीरे धीरे जाकर के फटती जाएगी और बाद में खराब हो जाएगी और देखने वाले क्या बोलेंगे कि जापान की ट्रेन देखो इसकी सीटें फटी हुई हैं, तो मुझे अच्छा ही लगे। तो मैंने ही देखा मेरे पास सुविधा का था फॉर्चुनेटली, तो मैंने उसको निकाल के इसको सिल दिया। ये छोटी सी बात शो करती है कि हम किसी चीज को ब्लेम ना करें। हम जहां भी देखते हैं कचरा पड़ा है, कोई वॉल में किसने खराब कर दिया है। एक बार मैंने देखा है यहाँ किसी कॉलोनी में दिल्ली में एक वॉल थी, बाउंड्री वॉल, बहुत ही लोगों ने पोस्टर लगा के गंदे करके थूक के खराब कर दी थी। तो एक वॉलंटियर्स ग्रुप गया, उन्होंने उसको पूरी साफ की, उसको अच्छा बढ़िया कलर करके पेंट करके उसमें डिजाइन बना दिए। कितना शानदार काम, हम अपने आप योगदान दे सकते। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। मेजर साहब मुझे याद आता है कि जब मैं पढ़ाया करता था स्कूल कॉलेज या कई जगह पे जब मैंने पढ़ाया, तो उस समय मेरा एक काम था कि अगर क्लासरूम में कहीं भी कचरा पड़ा हुआ है तो मैं एंटर करते हुए खुद उठाना शुरू कर देता था और कोई उठाएगा मेरे को देख के मेरे को उठाने नहीं देते थे, सर 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 प्लीज प्लीज, और एक मिनट में क्लास साफ हो जाती। तो इंस्पिरेशन बनना है तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि जहां पे जरूरत है वहां पर सिविक सेंस यूज की जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर आपने बहुत सारे उम्दा क्वेश्चन के बहुत शानदार जवाब दिए। आज का जो युवा है वो अपने फेलियर और क्रिटिसिज्म को कैसे फेस करे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न बन गया है, क्योंकि वो नेगेटिविटी में तो चले जाएंगे, नहीं तो और अपना नुकसान कर लेंगे। तो आप इसको कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी बात है। हर एक के जीवन में पास होना या फेल होना, फेलियर इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। अगर हम कोई चीज ट्राई करेंगे तभी हम फेल होंगे, अगर ट्राई ही नहीं करेंगे, कहते ना अगर किसी ने बोला शो मी अ मैन हु हैज नॉट फेल्ड एंड आई विल शो यू अ मैन हु हैज नेवर ट्राइड एनीथिंग, तो सीधी सी बात है अगर हम किसी चीज की कोशिश करेंगे तो हमारे फेल होने के चांस भी, तो हमें उससे सीख लेना है कि अगर हम फेल हो गए तो हमने क्या कमी रह गई थी, क्या गलती हो गई थी, उसको हम सुधारें और ठीक करें। दूसरा, इसमें निराशा ही कोई बात नहीं, ये कोई ब्लैक लिस्ट नहीं है कि काला निशान लग गया। आमतौर पर क्या होता है हमारे समाज में ऐसी धारणा बनी है, कोई बच्चा स्कूल में अगर फेल हो गया और घर में जब वो आता है तो उसके पेरेंट्स बहुत डांटते हैं, कई बार उसको पिटाई भी लगा देते, लेकिन ये गलत है। बच्चा पहले ही निराश हो के परेशान हो के इमोशनली डिस्टर्ब है तो पेरेंट्स का काम है उस टाइम बच्चे को धीरज दें, उसको बताएं कोई बात नहीं बेटा हो गया कोई बात नहीं, अगली बार अच्छे नंबर ले आना कोई बात नहीं। तो बच्चे को भरोसा होना चाहिए। इसी डर के कारण कई बच्चे रिजल्ट जब उनका आता है फेल होने का तो डर के मारे घर नहीं जाते, वो कहीं भाग जाते हैं, कहीं सुसाइड कर लेते हैं। तो ये चीजें हैं, हम फेलियर को एक टैबू बना दिया कि फेल होना तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया, बिल्कुल गुनाह नहीं, इसको हमें एज अ पार्ट ऑफ लाइफ लेना। दूसरा, क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म क्या है, हर एक की आलोचना होती है किसी न किसी टाइम पर, लेकिन हमें सोचना है क्या जो ये आलोचना हो रही क्रिटिसिज्म इज कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। एक होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, जो हमारे पेरेंट्स हमें कोई चीज सुझाव देते हैं कि बेटा ऐसा नहीं ऐसा कर लो, ऐसा करो अच्छा रहेगा, हमारे टीचर्स बताते हैं, हमारे मेंटर्स, हमारे वेल विशर्स हमें हर चीज में गाइड करते हैं, तो जो हम काम कर रहे हैं वो बोले ऐसा नहीं ऐसा करो, तो हमें उनकी बात सुनना चाहिए। दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, वो क्या हमारे कुछ लोग जेलस होते हैं, जो जेलसी कारण बताएंगे अरे तुमने ऐसे किया बिल्कुल बेकार है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। तो हमें सबसे पहले देखना है क्रिटिसिज्म कहाँ से आ रहा है, सोर्स क्या है उसका, और उसका इंटेंशन क्या है। अगर हम लगता है कि उसका इंटेंशन केवल हमें क्रिटिसाइज करना है, हमें नीचे दिखाना है,
तो हमें उसको इग्नोर कर देना है, उससे हमें डिस्टर्ब नहीं होना है, उसको हमें जवाब नहीं देना है, उससे बहस नहीं करना है, इग्नोर कर देना है। अगर हमें क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव है, हमारे पेरेंट्स मेंटर्स टीचर्स वगैरह से आ रहा है, तो जरूर उसको थैंकफुली एक्नॉलेज करें और उसको इम्प्लीमेंट करें। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। आपने जो फेलियर के बारे में बताया तो मुझे एकदम से याद आ गया कि अनुपम खेर जी ने, फिल्म कलाकार ने बताया था कि वो जब 10th में बहुत बुरे मार्क्स लेके आए थे तो उनके पिताजी ने उनको शिमला की सबसे बढ़िया आइसक्रीम और चॉकलेट वगैरह खिलाया। तो उन्होंने बोला, पापा मैं तो फेल हुआ हूँ। तो उन्होंने बोला, नहीं बेटा, जिस दिन तुम अपने फेलियर को सेलिब्रेट करना सीख गए ना, उस दिन तो कमाल हो जाएगा। उस दिन के बाद तुम्हारा फेलियर कुछ बिगाड़ नहीं सकता, सक्सेस तो आना ही है। सर जी, जी सर, आपकी बातों से मुझे एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है। जैसा कि कहा जाता है कि रिलेशन नेवर एंड एट देयर ओन बट आर मर्डर्ड बाय अवर ईगो एंड इग्नोरेंस। ठीक उसी तरह से जैसे हम अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को, मैं ये बनूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ये अचीव करूंगा। मेरे को अच्छे से याद है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे क्लास के 4 स्टूडेंट्स, मैंने सोचा था कि मैं आर्मी में बहुत अचीव करूंगा, मैं टीचिंग की लाइन में आ गया। जिन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा था वो चारों के चारों इस समय सर्विंग ब्रिगेडियर हैं अलग अलग जगह पर। तो आप क्या बताना चाहेंगे कि हम अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को, उनको मार देते हैं, उनका मर्डर करते हैं, क्या इस बारे में कोई क्या सोच होनी चाहिए और कैसे इसको स्टूडेंट्स टेकअप करें? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी क्या होता है, हर बच्चे के आमतौर पर बहुत सपने होते हैं, मैं तो फाइटर पायलट बनूंगा, मैं बिजनेस करूंगा, मैं LIC में काम करूंगा, या मैं बहुत बड़ा इंजीनियर बनूंगा, या डॉक्टर बनूंगा, वगैरह वगैरह। अभी सपने जो हैं, बच्चे कहीं ना कहीं से अपने मन में किसी को देख करके, किसी से इंस्पायर होकर के, या वो तो बहुत बड़ा क्रिकेटर बनूंगा, मैं मेडल लाऊंगा, गोल्ड मेडल जीतूंगा जाकर के ओलंपिक्स में। अब क्या होता है, जब बच्चे ये बात अपने घर में अपने रिलेटिव्स के साथ करते हैं, सामने करते हैं उनके, तो वो उनको बोलते रहे तू पढ़ाई में ध्यान दे, तू क्या करेगा बिजनेस, हमारे फैमिली में किसी ने बिजनेस किया है, बिजनेस में तो बेकार हो जाते हैं, पूरे लुट जाते हैं लोग। क्या है, उनका अनुभव उस फील्ड में नहीं है, उनको उन्होंने केवल जो काम नहीं किया है, उनको केवल ऐसे लोगों को बारे में जानते हैं जो उस काम को करके फेल हो गए। तो ऐसे लोगों से अगर ये अपने सपनों की बात करेंगे तो वो उनको डांट देंगे और इस प्रकार से उनके सपनों का मर्डर हो जाए। तो अगर आपके ऐसे कोई सपने हैं, आपको बिजनेसमैन बनना है, कोई बिजनेस करना है, आपको कोई एयरफोर्स में पायलट बनना है, तो आप उन लोगों से बात कीजिए जिन्होंने ये काम सफलतापूर्वक किया है, जिसने बहुत अच्छे बिजनेस किया है, जिसने LIC में MDRT बनाए, वो आपको बताएंगे कि देखो MDRT ऐसे बनते हैं, मैंने किया है, बिजनेस करना है ऐसे करो, मैंने किया है, इनकरेज करेगा, सही रास्ता दिखाएगा। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो आपके ड्रीम मर्डर हो जाएंगे, क्योंकि जिनसे आप बात कर रहे हैं उनको तो उसके बारे में पता ही कुछ नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखिए, गाइडेंस ऐसे लोगों से लीजिए जिन्होंने वो काम किया है जो आप करना चाहते हैं, और आप जरूर सफल। बहुत उम्दा, बहुत ही अच्छा। मेजर साहब, अब हम अपने इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव की तरफ चले। अभी मेरे दिमाग में एक प्रश्न और आता है, कृपया आप इसका भी निदान करें। आप अपने बहुत सारे सेशंस में बहुत सारी बातें बताते हैं, आपने अलग 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 टॉपिक्स बना रखे हैं। मैं तो चाहता था कि ये बहुत लंबा इंटरव्यू हो, लेकिन लोगों के पास समय कम होता है और आपके पास तो बहुत टॉपिक्स हैं। जब जब लोग बुलाते हैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर आप अपनी बात रखते हैं। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, ये कैसे डेवलप किया जाए, इस बारे में बताएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रोंडा बायन की एक बुक है मैजिक, उसमें इसी बात पे बताया गया है कैसे हम धन्यवाद दें, कैसे हम, अगर हम देखिए जीवन में अगर हम कंप्लेन करेंगे, शिकायत करेंगे तो हम दुखी रहेंगे, कमी देखते रहे चारों तक, ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है। लेकिन अगर हम धन्यवाद देंगे, जैसे हमारे घर में खाना खाते तो हम खाना खाने के टाइम कहते हैं सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि भगवान आपने हमें खाना दिया। और हर धर्म में ये प्रथा है कि जो हमें भोजन मिला है उसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। और यहाँ तक कहा गया है कि हम किसान को धन्यवाद दें,
जिसने इतनी मेहनत करके उस अनाज को उगाया है और हमारे लिए वो सब्जियां वो अनाज तैयार करके दिए हैं, इतनी मेहनत की है। आप से अंदाज लगाएंगे ना तो हमें बहुत उस किसान की रेडी पाएंगे अपने आप को कि हमें उतना अच्छा भोजन मिल रहा है। दूसरा, सुबह उठ के जब हम ईश्वर को धन्यवाद दें कि ईश्वर आपने हमें पूरी रात सुरक्षित रखा, अच्छी तरह से हम सुबह उठे, नया दिन मिला है। आप जानते हैं बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सोकर नहीं उठ पाते, लेकिन अगर हम उठे हैं, हमें नया दिन मिला है, तो ईश्वर को धन्यवाद दें। रात को जो हम सोने जाते हैं, सोने के पहले ईश्वर को धन्यवाद दें कि ईश्वर अपने पूरा दिन अच्छी तरह से निकाल दिया। बहुत लोग हैं जो इस दिन को कंप्लीट नहीं कर पाते, किसी हादसे में चले जाते हैं, किसी बीमार हो जाते हैं। अगर हम स्वस्थ रहे, पूरा दिन अच्छी तरह से निकला है, तो ईश्वर को धन्यवाद देने का बहुत बड़ा कारण है। कंप्लेन करने का तो कोई अंत नहीं है, लेकिन अगर हम धन्यवाद देंगे हर चीज के लिए, इसका कोई अंत नहीं है। प्रकृति को धन्यवाद, सूरज को धन्यवाद, है ना, जिन लोगों ने रोड्स बनाई, सड़कें बनाई, जिन पर हम गाड़ी चलाते हैं उनको धन्यवाद, इसका अंत नहीं, लिस्ट इज एंडलेस। जितने भी लोगों को हम देंगे, आसपास के लोग, हमारे ऑफिस के, हमारे परिवार के हर मेंबर जो परिवार का है, बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। और धन्यवाद हम फील करें और धन्यवाद कभी उसको बताएं, उसकी तारीफ करें, तो उसका भी खुशी होगी, उनको भी खुशी होगी। देखिए आपने एक्सप्रेस किया हमारे माता पिता के प्रति, हमारे टीचर्स के प्रति, अगर हम कभी समय निकाल के उनको धन्यवाद दें कि आप हमारा कितना ध्यान रखते हैं, कितना अच्छा हमें गाइड करते हैं। ऑफिस में आप देखें, कोई आपके कलीग ने थोड़ा सा अच्छा काम किया है, गिव हिम अ थैंक यू नोट एक्सप्रेस कीजिए, लोग खुश होंगे। लोग थैंक यू बोलने में भी कंजूसी कर जाते, बोलते नहीं है। कई बार ऑफिस में देखा था, एक बोर्ड बना हुआ है, उन बोर्ड पे थैंक यू स्लिप लगाने का सिस्टम था। किसी का काम आपको अच्छा लगा, यू वांट टू अप्रिशिएट दैट, पुट ए नोट, राइट, थैंक यू मिस्टर अरुण सो एंड सो फॉर गाइडिंग मी फॉर डूइंग दिस। तो लोगों में भावना फैलती है जब हम थैंक यू की चेन चलाते हैं, एक दूसरे को धन्यवाद देते हैं। ग्रेटिट्यूड टू वन एंड ऑल, सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद, उसके बाद लोग जो हमारे चारों तरफ हैं उनको धन्यवाद, तो दुनिया बहुत अच्छी लगेगी। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। मेरे को एक बात याद आ गई कि थैंक्स गॉड फॉर एवरीथिंग वी हैव, क्योंकि जो जो चीजें हमारे पास हैं वो सारी की सारी चीजें कीमत से नहीं मिली, उनमें से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनकी कोई कीमत नहीं है, मगर वो बेशकीमती हैं। हमारी माँ, हमारी शरीर, हमारे रिश्ते, हमारे पास हवा, जो जो चीजें बेशकीमती हैं, उनकी कदर आज नहीं की तो कल कदर करने के लिए हम रहेंगे नहीं, या वो चीज नहीं रहेगी तो उस समय पश्चाताप ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और मैं अपने दर्शकों को इस वीडियो को देखने, लाइक करने, सब्सक्राइब करने और बाकियों के साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं। और इसे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और अगर आप चाहते हैं कि इतनी अच्छे विचार, इतनी अच्छी सोच पूरे भारतवर्ष में उगे, पैदा हो, तो आपको मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आप शेयर करें। और इसी के साथ मैं चाहूंगा, धन्यवाद तो खैर बहुत छोटा लफ्ज है आपके लिए, जो आपने इतनी अच्छे विचारों की श्रृंखला शुरू की है, लेकिन मैं आपके आगे हाथ जोड़ के नतमस्तक होता हूँ और अपने सारे दर्शकों को आज धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।